आपको बता दें, सीतापुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सिपाही कुर्सी पर बैठा हाथों में पैसे गिन रहा है। सिपाही के सामने एक शख्स भी बैठा हुआ है। सिपाही से उस शख्स का लेन देन चल रहा है। सिपाही के हाथ में पैसा जैसे ही आया, उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। जिस जगह सिपाही बैठा है, उसके चारों तरफ भीड़ जमा है। लोग सिपाही के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। वायरल वीडियो सीतापुर का बताया जा रहा है। सिपाही के हाथों में जो पैसा है, वो दरअसल देशी कच्ची शराब का है। मतलब साफ है, जो पैसा सिपाही को दिया जा रहा है, गांव में कच्ची जो शराब बनती है, उसका लेन देन हो रहा है। ये भी कह सकते हैं कि सिपाही की शराब माफिया से साठ गांठ है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं जो सिपाही को पैसे दे रहे हैं। रुपया देने वाले शख्स ने ये बताया है कि सिपाही को हर महीने कच्ची शराब बनाने के लिए 20,000 दिए जाते हैं। ये सिलसिला करीब पिछले 8 महीने से चल रहा है। यही वजह है कि लगभग पूरा इलाका शराब बना रहा है और धड़ल्ले से उसकी बिक्री कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। अब देखना होगा कि सीतापुर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह इस सिपाही के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। सिपाही का नाम रामकिशोर यादव है। एक कृष्णा चौकी में तैनात, एक कंपनी पूर्वा फ्लोर में पड़ता है। यहाँ पर कच्ची दारू का कारोबार होता है। ये हर महीने आके इनका महीनवारी बंधा हुआ है, बराबर आके पैसा ले जाते हैं, उसी का लेन देन होता है। आप इनको पैसा क्यों दे रहे हैं? ये बंधा हुआ है, गांव वाले दे जाते हैं, अगर ले लो हमें दे दिया करो, हमको दे जाते हैं, हम इनको दे देते हैं। गांव वाले आपको पैसा दे देते हैं और आप इकट्ठा करके आप इनको दे देते हैं? इनको दे देते हैं। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये काफी समय चल रहा है, करीब 8-9 महीने से। अच्छा, गांव में कितने परिवार हैं ऐसे जो कच्ची दारू का व्यापार? गांव में मान के चलिए करीब 50-60 परिवार हैं। उसमें से 4 से 6 परिवार ऐसे वो दारू नहीं बनाते, बाकी पूरा गाँव दारू बना रहा है। बताते चले, सिपाही का नाम अशोक यादव है और ये सिपाही सीतापुर के कोतवाली देहात में आने वाली कचनार चौकी का है। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।